हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज मैं आपको सिंगल वाउचर प्रिंटिंग तथा मल्टीपल वाउचर्स को प्रिंट करना बताऊंगी। तो अगर आप अपने किसी भी वाउचर्स जैसे परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट या कोई भी अदर वाउचर्स में कोई सिंगल इनवॉइस को प्रिंट लेना चाहते हो, या फिर कभी आपको अपने किसी भी स्पेसिफिक वाउचर्स की सारी डिटेल्स या सभी इनवॉइस प्रिंट में चाहिए होती है, जैसे कि आपने किसी भी स्पेसिफिक मंथ या ए पीरियड में या फिर पूरे ईयर में आपने किसी भी सेल बिल का प्रिंट या फिर परचेज या किसी भी वाउचर्स का प्रिंट नहीं लिया है, या फिर बहुत सारे जो है बिल का आपको एक साथ प्रिंट लेना है, तो उसके लिए आपको उन बिलों को एक एक करके प्रिंट निकालना होगा। बट इसके अलावा आप एक साथ किसी स्पेसिफिक वाउचर्स या किसी भी अन्य वाउचर्स के सारे बिल्स का प्रिंट एक साथ निकाल सकते हो, तो इसके लिए हम मल्टीपल वाउचर्स प्रिंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिंगल वाउचर्स को प्रिंट करना बता देती हूँ। तो सिंगल वाउचर्स प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले डे बुक पर आ जाएंगे। डे बुक पर आने के बाद हम करेंगे यहाँ पर ऑल्ट F2। यहाँ पर हम सारे जितने भी वाउचर्स हैं उनको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी सेल वाउचर्स है, परचेस वाउचर्स है, रिसिप्ट वाउचर्स, चाहे वो पेमेंट वाउचर, सारे ओपन यहाँ पर सारे वाउचर हमारे यहाँ पर ओपन हो गए। तो आपको जिस भी वाउचर्स का प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन शो होंगे, कन्फिगर, प्रीव्यू और प्रिंट। कन्फिगर में हम आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रिंटेड सेटिंग में। पहले हम यहाँ पर करेंगे प्रिंटर सेटिंग में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रिंटिंग सेटिंग में हमारे सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट फॉर्मेट, उसके बाद है दूसरा प्रिंटर। तो यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ प्रिंटर से आप अपना प्रिंटर जो है यहाँ पर चूज़ कर लोगे। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में या फिर अन्य किसी इनमें से किसी भी उसमें आप अपने प्रिंट को ले सकते हो। देन इसके बाद आप यहाँ प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर PDF में सिलेक्ट किया था, हम यहाँ पर PDF में सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे तो इसके बाद आप अपने तरीके से यहाँ पर सेट प्रीवियस डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज़, अगर आप एक ही बिल के दो या तीन कॉपीज़ निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद आप इसे कंट्रोल ए से सेव कर लोगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी आप जिस भी और जिस भी बिल का आप प्रिंट निकालना चाहते हो, आप यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है, तो प्रीव्यू देखने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंट पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको जिस भी वाउचर्स का प्रिंट निकालना है आप यहाँ पर उसे प्रिंट की कमांड दे दोगे। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप सभी वाउचर्स, चाहे वो आपका सेल वाउचर्स हो, परचेस वाउचर या कोई भी अन्य वाउचर्स हो, आप उसके यहाँ पर अगर आपको सिंगल इनवॉइस में अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वाउचर्स के सभी बिल को एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए हम मल्टीपल वाउचर्स प्रिंटिंग का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप प्रिंट के ऑप्शंस के लिए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे या फिर ऊपर दिए गए बार में से प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अदर्स पर। अदर्स पर आने के बाद आपको मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स में आपको आना है मल्टी वाउचर्स पर। मल्टीपल वाउचर्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको सिंगल इनवॉइस मोड, सिंगल इनवॉइस प्रिंट में आपको तीन ऑप्शन शो हो रहे थे, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। कन्फिगर पाने के बाद आपको यहाँ पर शो मोड करना है। शो मोड को करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे वाउचर्स टाइप पर। तो वाउचर्स टाइप में आप एंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम पहले इसको डिलीट कर लेंगे, जो नेम ऑफ वाउचर्स टाइप को। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ वाउचर्स टाइप आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है कॉन्ट्रा हो, क्रेडिट हो, डेबिट हो, या फिर आपको जो भी परचेज या सिर्फ सेल, आप जिस भी उसको एक साथ निकालना चाहते हो, मल्टीपल वाउचर्स निकालना चाहते हो, तो उसके लिए हम करेंगे, हम जैसे मान लीजिए हम परचेज का निकालना चाहते हो तो हम यहाँ परचेज का ऑप्शन को यस कर लेंगे। इसके बाद हम वाउचर्स टू प्रिंट रेगुलर, इसके बाद जो है पीरियड हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है केवल यहाँ पर अप्रैल मंथ के जितने भी परचेस वाउचर्स हैं हम उनको जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे हम अप्रैल, हम पूरे मंथ का क्या है यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। टाइटल, अगर आप अपने इनवॉइस में कोई टाइटल, सब टाइटल वगैरह देना चाहते हो तो आप यहाँ पर उनको दे सकते हो। प्रिंटर, तो उसके बाद प्रिंटर सेटिंग में आपको प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने आपको यहाँ पर प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है।
तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंटर सेटिंग में आप यहाँ पर अपना जो भी प्रिंटर है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, और इसी तरीके से आप अपने तरी आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रिंटर की जो जो आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल से सेव कर लोगे। उसके बाद हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे जो प्रीव्यू में कितने यहाँ पर बिल प्रिंट के लिए शोर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें बिल शोर है वो है कृष्णा एंटरप्राइजेस का, उसके बाद जो दूसरा है वो है अशोक ट्रेडर्स का, और जो तीसरा बिल है वो है राधिका का। तो यहाँ पर हमें केवल यहाँ पर हमें तीन प्रिंटर जो हमारे तीन बिल हैं वही हमें यहाँ पर शोर हैं। तो यानी कि हमने इस मंथ में यहाँ पर केवल तीन परचेस वाउचर से यहाँ पर बिल बनाए हुए हैं। तो उसके बाद हम इसे बैक कर लेंगे, और यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पर प्रिंट ही कमांड आपको यहाँ पर शो रही है, आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। तो उसके बाद आपके जितने भी आपके उस पीरियड में जो कि पीरियड आपने सेलेक्ट किया हुआ उस पीरियड के आपके जितने भी इनवॉइस होंगे वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।